God needs dedicated people who can get up and have control over their flesh. क्यों एक बात बोलूँ मैं आपको? अगर आपका संतुलन या आपका नियंत्रण या क्या बोलते हैं उसको authority अधिकार आपके देह के ऊपर नहीं है, तो शैतान आपको कभी भी फिसला सकता है. यीशु के मार्ग से आपको कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी. You have to tell your body, आपको शरीर को बताना ही पड़ेगा कौन कंट्रोल में है. These guys were crazy. All of them were loners. इसलिए मैंने ये डाला था. All of them were loners. अकेले थे ये लोग. अकेला था. जेरेमायाह अकेला था. बरूक उसको बाद में मिल गया. हगाई होसाया, he had a family. But अमोस अकेला था. उसका क्या था? ओबदया अकेला था. ये बंदे लोग अकेले थे. हबक्कूक अकेला था. अपना लड़ाई परमेश्वर के साथ बस अकेला था. उनको और कुछ नहीं चाहिए था. आप कब उठोगे? आपको बताएं, कैनन लैंड इसराइल आया कैनन लैंड में, कैनन के लैंड में, और इसराइल कैनन निकल गया वहां से. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा उनके पाप मुझ तक पहुंच गए. आया ना, उनके पाप मुझ तक पहुंच गए. उनके पाप ना, एक बात मैं बताता हूँ आपको, 25% है आज के पाप जो इंडिया में चल रहा है, बाहर का छोड़ो, 25% जो पाप आज इंडिया में चल रहा है ना, अभी सोचो परमेश्वर के सामने क्या आ रहा है इंडिया के लिए. और बैठे क्या है हम? प्रॉफिट्स, हम भविष्यवक्ता लोग क्या कर रहे हैं? बैठे परमेश्वर से बात ही नहीं कर रहे. सुबह उठने का हम प्रयत्न करते हैं, ये लोग तो सोते भी नहीं थे. उनको नींद का, उनको चैन का. आंखें बंद किए तो परमेश्वर दर्शन दिखाते हैं, आंखें खोल दिए तो लोगों के सामने जाके बताना पड़ता है. उनको नींद कहा, तुच्छ जाने गए ये लोग. वाह वाह नहीं मिलता था उनको, इसलिए यीशु ने कहा हाय है तुम पर अगर तुमको वाह वाह मिला लोगों का. क्यों? क्योंकि वो जीवन आप नहीं जी रहे हो. क्योंकि फलवंत झाड़ी को पत्थर मिलता है. आया ना? अगर नहीं है, अगर फल नहीं है तो आप उनके साथ ही जा रहे हो. जहां वो जा रहे हैं आप वही कर रहे हो, वही भाषा बोल रहे हो, वैसा ही चाल चलन है आपका. एक प्रॉफिट आप देख सकते हो कि ये बंदा अलग है, ये परमेश्वर का है. आप देख सकते हो उनके जीवन से, क्योंकि वो अलग कुछ बोलते थे. जैसा चल रहा है ना सबका, अच्छा 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 नहीं बोलते थे वो लोग, अलग बोलते थे. परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर कह रहा है कि अंत का दिन अभी आ गया है, नींद से जाग जाओ. रोमियो में लिखा है नींद से जाग जाओ. रात खत्म हो गई है, सुबह आने वाली है. नींद से जाग जाओ और जानो कि दिन निकट आ गया है. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि मैंने ये टेस्ट किया है कि क्या परमेश्वर मैं सुबह उठकर वो 3 घंटे आपके सानिध्य में बिता सकता हूँ क्या? ठीक है, हुआ हुआ, एक दिन 2 घंटे हुआ, एक दिन 3, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 2, एक दिन 3, पर किया मैंने. मैंने बोला मैं शरीर को बताऊंगा कि 4 बजे तेरा सोने का टाइम नहीं है, 4 बजे तुझे उठना ही है और परमेश्वर से बात करना है. परमेश्वर से बातें करना ही करना है, तुझे सोने का टाइम नहीं. दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, वो है आपके जीवन का मकसद. हम 1 घंटे मुश्किल से देते, 15 मिनट मुश्किल से देते, और फिर पूरे दिन भर में ढूंढते रहते टाइम के दर में. इसलिए यीशु मसीह चिड़ियों के पहले उठे, चिड़ियों के पहले उठे, बोल के समय में उठे. क्योंकि उनको मालूम है पूरे दिन भर उनको टाइम नहीं मिलेगा. पूरे दिन भर यदि आप टाइम ढूंढते जाओगे तो नहीं मिलेगा, कोई देगा नहीं आपको वो टाइम. वो आपको लग्जरी कोई नहीं देगा, सब चुराने के लिए आते हैं आपका टाइम. आया ना? आया ना? आमीन. किसी को कुछ मिल जाए. तो ये बंदा कह रहा था कि परमेश्वर कब तक, इसका क्या था, कब तक तू दुष्टों को ऐसा ही जीने देगा? परमेश्वर के सामने गया वो झगड़ा करने लगा. इसलिए हबक्कूक का फर्स्ट पार्ट जो है 1 एंड 2, परमेश्वर के साथ कुश्ती. दैट इज ओके, परमेश्वर के साथ कुश्ती. हबक्कूक 1 एंड 2. तो पहले अध्याय में, पहला और दूसरा अध्याय, ठीक है, तो पहले अध्याय में 2 से लेकर 11 तक ये बंदा बोल रहा है कि परमेश्वर
क्यों कुछ नहीं कर रहा है? बहुत कम है, बहुत कम है जो तू कर रहा है, बहुत क्यों कुछ नहीं कर रहा है? दुष्ट तो दुष्ट ही बढ़ता जा रहा है ना? आपका सवाल कभी ऐसा आता है कि वो लोग इतना मजा क्यों कर रहे हैं और हम लोग ऐसे बेबस लाचार एकदम बेकार जिंदगी जी रहे हैं ना? कुछ हमको आशा है कि एक दिन हमारा जिंदगी सुधर जाएगा, सवर जाएगा, पर अभी फिलहाल के लिए ठोकर काफी एकदम वैसा जिंदगी है ना। पर दुष्टों का जिंदगी कैसा जा रहा है? एकदम बढ़िया। तो हबक्कूक का सवाल यह था कि ये देख, ये लोगों को देखो कितना ऐसा कैसे जी रहे वो लोग जीवन, और आप उनको आशीष पे आशीष देके जा रहे हो, उनका धन दौलत बढ़ते जा रहा है, वो लोग ब्राइबरी कर रहे, चुंगी लेते हैं, वो सब ले रहे, घूस लेते हैं, और फिर भी वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम क्या शांत हो गए? तुम सो गए वहां पे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो उसके बारे में? कुछ समझ में नहीं आता? I mean, he was very angry, was wrestling with God. I don't understand this. कुछ करो इन लोगों के बारे में, कुछ करो। ठीक है, कुछ करो इन लोगों के बारे में। तो पहला सवाल उसने परमेश्वर से ये पूछा कि इतना कम क्यों कर रहे हो आप, इतना कम क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो पहला सवाल जो है, why don't the bad suffer? दुष्ट लोग सफर क्यों नहीं करते, दुख क्यों नहीं उठाते? दुष्ट लोग जो है दुख क्यों नहीं उठाते? सही बात है ना, कभी कभी सवाल होता है। ठीक है, इतना दुख नहीं उठाते वो लोग, दुख उठाते हैं वो भी, तब इतना नहीं जितना मसीह में बन के एकदम लाइफ तो टोटली टर्न हो गया, और पवित्र आत्मा मिलने के बाद, अन्य भाषा मिलने के बाद और टर्न हो गया, और कहीं पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। पर जब हम पहले थे, जब हम अंधकार में थे, तभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया था, सब कुछ हमारे पास था, पर नहीं, आज हमें शांति मिला है, शांति। आमीन। ठीक है, तो परमेश्वर उनको कहता है कि नहीं, ये मत समझो कि दुष्ट जो है वो लोग सफर नहीं करेंगे, वो लोग दुख नहीं उठाएंगे। तुम एक चीज नहीं देख सकते हो जो फिलहाल मैं कर रहा हूं, और यदि ठीक है, बिल्कुल सबसे पहले पांच चीज परमेश्वर उनसे कहता है। अब हबक्कूक, एक सवाल तुमने किया कि दुष्ट लोग दुख क्यों नहीं उठाते, तो सबसे पहले चीज, तुम दूर तक नहीं देख रहे हो, तुम्हारा दृष्टि दूर दृष्टि में है। मतलब तुम जो चीजें तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम उसको देखकर कह रहे हो कि दुष्ट लोग जो है वो दुख नहीं उठा रहे। देखेंगे, यू आर नॉट लुकिंग वाइड इनफ एंड फार इनफ, यू कैन सी द होल पिक्चर। आपको पूरा वो पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा, वहां से बैठ के आपको सिर्फ इतना दिख रहा है, इसलिए आप ये बोल रहे हो, पर आपको ऊपर का पिक्चर नहीं दिख रहा है। दूसरे बात जो परमेश्वर ने उनसे कहा वो ये है, आप यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज, एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। बड़ी सिर्फ बिग सरप्राइज, चौंकाने वाली बात आने वाली, एक चौंकाने वाली बात, हैरानी वाली बात आने वाली है। ठीक है, द थर्ड थिंग, मैंने कुछ ऐसा योजना किया जो आपके जीवन काल में ही होगा। उसे कम लोग, मैंने कुछ ऐसा योजना किया जो आपके जीवन काल में होगा। आप सवाल पूछते हैं ना ये परमेश्वर से कि परमेश्वर दुष्ट लोग क्यों, वो लोग सफर क्यों नहीं करते, वो लोग दुख क्यों नहीं उठाते? परमेश्वर आपसे ये बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आप दूर तक नहीं देख रहे, दूर दृष्टि नहीं देख रहे, ऊपर से नहीं देख रहे जो हो रहा है परमेश्वर के नजर से। दूसरे बात वो कह रहे कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, आप देख नहीं सकते हो फिलहाल, आपके जो परिस्थिति है आपको दिख रहा है यही है यही है, परमेश्वर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? परमेश्वर कह रहे हैं आपसे कि एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है, मैंने प्लान किया आपके लिए, रोको। जब हमें पता चलता है सरप्राइज आता है, हम क्या होते हैं? बोलो ना सरप्राइज क्या है, बोलो ना सरप्राइज क्या है, बोलो ना सरप्राइज क्या है। ठीक है, थर्ड वन, मैंने कुछ ऐसा योजना किया जो तुम्हारे जीवन काल में पूरा होगा। तुम्हारे बच्चे के परमेश्वर का, जब मैं जिंदा हो तभी कुछ कहो, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो कौन वहां पर तुम्हारी स्तुति कर सकता है ना? अभी कुछ करो ना, अभी इस सिचुएशन का। परमेश्वर कह रहे धीरज रखो, बी पेशेंट, तुम्हारे जीवन काल में मैंने कुछ योजना किया। ठीक है, फोर्थ वन, मैंने तुझे बताया नहीं अब तक क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते थे। अगर मैं बताता, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते थे, यदि मैंने बताया था। देखो,
जब मैं छोटा था, जब मैं परमेश्वर के वचन को पहले पहले पढ़ रहा था, अगर परमेश्वर ने मुझे कहा होता था कि मैं ऐसे बैठने वाला हूँ, प्रचार करने वाला हूँ और पूरे रेवेलेशन बुक के ऊपर प्रचार करने वाला हूँ और कैमरा के सामने प्रचार करने वाला हूँ, तो मुझे यकीन नहीं होता था उस समय में, मुझे यकीन नहीं होता था उस समय में। पर आज जब ये हो गया है, मुझे पता है कि ये परमेश्वर का ही कार्य है। समझ में आया? हालेलुया। कोई है मेरे साथ? Yes, sir. अगर परमेश्वर आपको वो बातें बताएंगे ना, आप यकीन भी नहीं करोगे। इसलिए परमेश्वर बताना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? How big his plans are. उनकी योजना जो है हमारे छोटे से माइंड में, हमारे छोटे से माइंड में नहीं बैठ सकता है। उनका उनका जो परमेश्वर का जो योजना है हमारे मन में नहीं बैठ सकता है। इसलिए परमेश्वर कह रहे, यदि मैं अपना योजना भी आपको बता दूं तो आपको यकीन नहीं होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो है वो कह रहे कि मैंने इसका शुरुआत कर दिया, मैंने इसका शुरुआत कर दिया, कुछ ऑलरेडी अनोखा हो रहा है, हलचल महसूस हो, हलचल महसूस हो। This was the part that all of you should have done. पांच पॉइंट बताओ मुझे। पहला पॉइंट है कि तुम ज्यादा दूर तक नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट है कि एक बड़ा सरप्राइज आ रहा है। तीसरा पॉइंट है कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही दिनों के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं जो तुम्हारे समय में होंगे, और मैंने तुमसे ये नहीं कहा क्योंकि तुम विश्वास नहीं करोगे। एंड फिफ्थ पॉइंट है मतलब शुरुआत कर दी, शुरुआत। पांचवा है शुरुआत ऑलरेडी कर चुकी है। हबक्कूक ने कहा, हे परमेश्वर ये बड़े बड़े बातें छोड़ दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हबक्कूक ने ये कहा, हे परमेश्वर ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है तुमको सरप्राइज अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सरप्राइज बोल दूंगा। क्या किया मैंने? मैंने चैल्डियंस को, मतलब बेबीलोन के लोगों को उठाया है कि वो एक महान सेना बन के यहूदा के तरफ आए और इन सब दुष्ट लोगों को खत्म कर दे, या अपने गांव में लेकर जाए, अपने देश में लेकर जाए। बेबीलोन कौन? बेबीलोन। परमेश्वर कह रहे, देख मैंने बेबीलोन को तैयार किया, देख मैंने बेबीलोन को क्या किया, तैयार किया। ठीक है, अभी एक चीज हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने कहा मैं बेबीलोन को वापस खड़ा कर रहा हूं, पर उस समय में अभी अभी 10 देश जो थे, इसराइल के 10 देश जो थे, वो बंदवाई में चले गए। किसमें चले गए? बंदवाई में। किस, कौन लेकर गए उनको? इज़राइल के 722 ठीक है, असीरिया। और हेजिकाया के समय में याद है आपको कि जब हेजिकाया बीमार था तभी क्या हुआ था? हेजिकाया जब बीमार था तभी बेबीलोन के राजा ने एक संदेशा भेजा, एक गेट वेल सून ग्रीटिंग कार्ड भेजा। तभी तो हेजिकाया एकदम खुश हो गया कि ये छोटे से, जिसका नाम भी नहीं है शहर का बेबीलोन, ये छोटे से गांव से लोग आ रहे, मतलब मैं कितना फेमस हूं, तो उनको सारा धन दौलत दिखा दिया। और यशाया ने क्या कहा दूसरे दिन आकर, कि जिस धन दौलत को तूने दिखाया है यही बेबीलोन आकर तुम्हें लूट कर चले जाएंगे। हेजिकाया ने बोला मेरे जीवन काल को उन्हें तो नहीं होगा ना, छोड़ो मेरे बच्चे के जीवन काल में होगा, कौन नहीं, मेरे जीवन काल में तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय तक बेबीलोन आया ही नहीं था ऊपर, असीरिया का राज चल रहा था। और अभी हबक्कूक के जीवन में ऐसा हो गया था कि जोसाया का जो सब रिफॉर्मेशन वगैरह वो खत्म होने को आया, उसका बेटा जोहकिम आ गया सिंहासन पर, वो एकदम कमजोर बंदा था, तो इधर भी कमजोरी था और असीरिया का राजा भी कमजोर हो रहा था।
असीरिया का जो देश था वो भी कमजोर हो रहा था, तो कोई भी सामर्थ बचा नहीं था पूरे दुनिया में। और बेबीलोन, ये हबक्कूक सोचने लगा, बेबीलोन वो छोटा सा गांव, वो छोटा सा शहर, बेबीलोन। इसलिए परमेश्वर ने कहा, देख मैंने बोला ना, अगर मैं बोलता था तो सुनता नहीं था, यकीन नहीं करता। तो इसने कहा मैं बेबीलोन को उठाने वाला हूँ, और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे वो आएंगे। तब तक वो वैसे नहीं थे, तब तक वो वैसे नहीं थे, पर परमेश्वर ने कहा वो छोटे शहर को मैं ऐसे इस रीति से, और बेबीलोन के लोग असीरिया के लोगों से भी ज्यादा दुष्ट थे। जहां पर भी वो जाते थे, एक कुत्ते या बिल्ली को भी नहीं छोड़ते थे वो रास्ते के ऊपर, सब जो जीवित है सब मार दो, खत्म। उनका वो पॉलिसी था, झाड़ को भी नहीं छोड़ते थे, झाड़ पेड़ पौधे को भी नहीं छोड़ते थे, खत्म, सब खत्म, सब नाश, पूरा जला देते, पूरा जला देते बेबीलोन। पर अभी हबक्कूक को यकीन ही नहीं हो रहा है, बेबीलोन कैसा बड़ा हो सकता है, बेबीलोन बड़ा कैसा आ सकता है। परमेश्वर ने कहा, तूने कहा कि दुष्टों के साथ कुछ नहीं होता है, देख मैं कुछ कर रहा हूँ। दुष्ट जो है वो लोग सफर करेंगे, दुख उठाएंगे, और मैं कुछ कर रहा हूँ अभी फिलहाल, बेबीलोन को उठा रहा हूँ, क्योंकि असीरिया का समय खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिनेरियो समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि इन लोग क्या है हमारे सामने जो है एकदम उछल रहे हैं, एकदम मतलब सब कुछ अच्छा भला भला हो रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, उनका समय आ रहा है, एक समय आ रहा है, मैं किसी को उठा रहा हूँ वहां पर, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो हलचल हो रहा है तुम्हारे जीवन काल में, तुम देखोगे। ये अगर मैंने अभी बताया आपको, आपको यकीन नहीं होगा, पर जल्द ही ये होगा, जल्द ही ये होगा। उसके बाद क्या होता है, हबक्कूक क्या होता है, हबक्कूक को पता है कि ये लोग जो है बेबीलोन जो है इतना सामर्थी बनने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा कि ये सामर्थी बनने वाला है, कि अंत तक बेबीलोन जो है उसके समान कोई और देश उठाई नहीं, रोमियो भी नहीं। इसलिए इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था बेबीलोन। इसलिए रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं मिस्ट्री बेबीलोन, और बेबीलोन का जो पूरा शहर है वो तबाह होता है। परमेश्वर का आखिरी युद्ध बेबीलोन के साथ होगा, और उसका जो सेनापति है वो कौन होगा, मसीह होगा। आखिरी बार बेबीलोन फिर से उठेगा और आएगा इज़राइल के पास उसको तबाह करने के लिए, पर इस बार वो लोग जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मसीह के विरोध में वो लोग, मसीह के शहर के विरोध में। तो प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वो बेबीलोन तबाह होने वाला है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो अभी हबक्कूक चुपने बैठे, इसलिए अध्याय 1:12 से लेके 2:20 तक हबक्कूक कहता है कि परमेश्वर ये तो बहुत हो गया, परमेश्वर ये बहुत हो गया। पहले वो कह रहा था परमेश्वर ये तो बहुत कम है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो उन पापियों के बारे में। अभी कह रहे हैं ये तो बहुत हो गया परमेश्वर, इससे ज्यादा मत करो, ये बहुत हो गया। इतना ज्यादा क्या, अच्छे लोग भी है इस शहर में, आप उनको बेच रहे, वो तो सब तबाह करते हैं, सबको मार देते हैं, वो सोचते नहीं है। अगर उन लोगों को बेचने वाले हो आप, तुम अच्छे लोगों का क्या होगा। वो खुद का नाम नहीं लेता, पर वो मतलब ही उसका यही है कि कुछ अच्छे लोग भी है इस शहर में, ऐसा नहीं कि दुष्ट ही है। परमेश्वर से उस तरह का अभी तो बोल रहे सब दुष्ट है, अभी क्यों अच्छे लोग सारे भी आ गए। नहीं नहीं परमेश्वर ने उतना पूरा मत करो, थोड़ा कम कर दो। देखो परमेश्वर की योजना हमारे जहन में नहीं बैठता है, हमारे मन में नहीं बैठता है, ठीक है। तो हबक्कूक यहाँ पर कहता है तू अति दुष्ट लोगों को पनिश करने के लिए भेजोगे, सबक सिखाने के लिए भेजोगे। हम तो दुष्ट है ही, मतलब ये जुड़ा जो है दुष्ट है ही, पर वो लोग तो और दुष्ट है, वो लोग हमसे भी ज्यादा दुष्ट है। आप उनको मदद करने वाले हो हमको खत्म करने के लिए, ये कहां का न्याय हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। परमेश्वर किसका इस्तेमाल करता है दुष्टों की तबाही में, किसका इस्तेमाल करता है, उनके खुद के मनों को वो इस्तेमाल करता है उनके लिए।
उनके खुद के ज्ञान को, उनके खुद के घमंड को, उनके खुद के बुद्धि को, जिसमें वो ज़्यादा घमंड करते हैं ना, उसको ही वो इस्तेमाल करते हैं उनको तबाही लाने में, उनको सही राह पर या उनको सबक सिखाने में। समझ में आया? बाहर की चीज़ों की जरूरत नहीं। तो परमेश्वर हबक्कू क्या पर कह रहा है, परमेश्वर हम तो दुष्ट हैं पर इतने भी दुष्ट नहीं है जितना बाबेलोन के लोग दुष्ट है। आप उनको इस्तेमाल करने वाले हमको सबक सिखाने के लिए, अरे पहले जाके उनको ही सबक सिखा लो ना एस्तर, पहले उनको जाके सबक सिखाओ फिर हमको सबक सिखाओ। और कुछ प्लान नहीं है क्या आपके पास? तो परमेश्वर के पास ये बंदा गया वैसा, ठीक है। तो परमेश्वर कहता है कि जो अच्छे लोग हैं उनका भला होगा पर जो बुरे लोग हैं वो लोग से नाश होगा। तो परमेश्वर ने उनको कहा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होगा और बुरे लोगों के साथ बुरा होगा। सब है मेरे साथ? Yes. है ना? Praise the Lord. Amen. ठीक है। तो टू अध्याय टू वर्स वन पढ़ो। अध्याय टू वर्स वन। अब तू अध्याय दूसरा उसका पहला वचन। मैं अपने पैर पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में उत्तर दूं। समझ में आ रहा है? ये बंदा क्या किया? जैसा योना, योना ने क्या किया? योना ने क्या किया? ऊपर जाके देख के देखने लगा शहर को क्या हो रहा है, बाहर जाकर पहाड़ पर बैठने लगा वहां पर और देखने लगा ऐसा कि शहर को क्या होने वाला। अभी ये बंदा इतना नाराज हो गया परमेश्वर के उत्तर से और जवाब से कि वो बोला कि जाके ऊपर टेरेस पे जाके बैठूंगा, देखूंगा अभी कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। बाबिलोन को आप कैसे भेज सकते हो क्योंकि आप इतने बुरे नहीं हो कि बाबिलोन को भेज सकते हो, इतने दुष्ट लोग को भेज सकते हो, तो मैं ऊपर ही बैठने वाला हूँ, ताकने वाला हूँ। ऐसे ही बैठा खड़ा था वो टेरेस के ऊपर, और टेरेस के ऊपर जब वो खड़ा था तभी परमेश्वर ने बोला तू इधर क्या कर रहा है, लिख ये जो मैंने बताया तुमको कि बाबिलोन आने वाला है, लिख ताकि सब आने जाने वाले लोग उसे देखकर पढ़कर भाग सकते हैं और अपने मार्ग सीधा कर सकते हैं। रीड वर्स टू टू टू। यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। आमेन। समझ में आ रहा है? मतलब लिख उन बातों को ताकि आने जाने वाले लोग बड़े अक्षर में वहां पर देख सकते हैं कि बाबिलोन के लोग आने वाले उनके मार्गों को वो सीधा कर सकता है। तो ये बंदा कह रहा था कि परमेश्वर पर उन अच्छे लोगों के बारे में क्या था। तो देन यू रीड वर्स फोर चौथा वचन, सबसे फेवरेट वर्स सकता, ठीक है। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा, धर्मी अपने केस के द्वारा, विश्वास अपने विश्वास के द्वारा जी लेते हैं। Where else is it written? It's written in Romans 1:17. 1:17. Read. 1:17. रोमियो उसका पहला अध्याय उसमें 17 वचन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से क्या? धर्मी जन जीवित रहेगा। देखने से? विश्वास से। हाँ, हालातों को देखने से, हालातों के बारे में बात करने से। विश्वास क्या होता है सब लोग बताओ मुझे, विश्वास क्या होता है? आप जीवित कैसे रहोगे? आप मुरझा क्यों गए हो अंदर से? आप क्यों मर रहे हो, मरे जा रहे हो अंदर से? क्योंकि आप विश्वास से नहीं जी रहे हो, आप हालातों को देखकर चल रहे हो। पर धर्मी जन जो है विश्वास से जीता है। विश्वास हालातों को नजरअंदाज करता है, देखता ही नहीं है हालातों को, हालातों के अनुसार चलता ही नहीं है क्योंकि वो अलग रीति से चलता है, वो अलग स्थान से चलता है। समझ में आ रहा है आपको? उसका चाल चलन ये दुनियादारी के चाल चलन से नहीं है। जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है उससे मैं नहीं, मुझे कुछ अफेक्ट नहीं होता है। इसलिए पॉलस कहता है दीज थिंग्स डू नॉट मूव मी, ये चीजें मुझे हिलाती नहीं है।
अगर भले ही वो लोग बंधवाई बनाकर मुझे जेल में डाल दे या कुछ भी करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें मुझे हिलाती नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मैं मरूं तो मैं मसीह के पास हूं, यदि मैं जीवित हूं तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा। सरल है क्रिस्ती जीवन, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे? विश्वास से जियो ना। Amen. आपके सारे तकलीफ किस में? किस में? आत्मिक रीति में या विश्वास शारीरिक? सच में नहीं, आत्मिक में। पहले आत्मिक में होता है, फिर शारीरिक में देखते हैं। आपके सारे तकलीफ कहाँ पर है? शारीरिक में या आत्मिक में? शरीर में होता है। आपके रिश्ते कौन से हैं? शरीर के या आत्मिक के? शरीर के। आपके साथ आपका जो पैसा है वो क्या है, शरीर या आत्मिक? शरीर। तो उसको देखना है। तो अगर आप आत्मा से चलोगे तो तकलीफ किस बात की? आत्मा के स्तर में या आत्मा के स्थान में तो सब भलाई भला है, वहां पर प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां पर मुसीबतें नहीं है, वहां पर दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, आंसू नहीं है, वहां पर सब भलाई भला है। अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो दुख, क्लेश और तकलीफ आपके पल पल के वो स्वभाव में आ जाए। हाँ यार, धार्मिक जन कैसे जिएंगे? विश्वास से। तो अधर्म जन कैसे जिएंगे? अविश्वास से। और वहां पर क्या लिखा है? रीड दैट वर्स अगेन। रोमन्स 1:17। रीड दैट वर्स। यो 1:17। वन क्विक होमवर्क, हिब्रूस 10, हिब्रानी 10 में भी ये वचन लिखा है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। आई वांट यू टू फाइंड दैट राइट नाउ, ओके? एंड इवन इन अनदर पैसेज इट इज रिटन, कहीं ना कहीं और ये लिखा है। कहां लिखा है बाइबल में? ढूंढो ये पैसेज से। हां, मैंने पढ़ा है। रेवलेशन से। मैंने चेक कर लो, मिला था। हिब्रूज 10 कौन से अध्याय? कौन सा वचन है? गैलेशियंस 3:11। क्या लिखा है? करो। हिब्रूज 10:38 और गैलेशियंस 3:11। ये ही हबक्कूक का वचन, हबक्कूक 2:4, रोमियो 1:17, गलातियों 3:11 और इब्रानी 10:38, इतना फेमस वचन है। गैलेशियंस 3:11, हिब्रूज 10:38, इतना फेमस वचन है कि ये वही ओल्ड टेस्टमेंट वचन है जो 4 बार रिपीट किया गया है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, पर हम इसका मतलब नहीं जानते हैं। परमेश्वर कह रहा है, जो धर्मी जन है, जो बच्चे है ना, दुष्टों को तो पनिशमेंट मिलने वाला है हबक्कूक में, कि बेबीलोन के लोग आएंगे और उनको खत्म कर देंगे, ठीक है? पर जो धर्मी जन है वो विश्वास योग्यता से ही जीवित रहेंगे। किसे? अगर वो मेरे नियमों के साथ विश्वास योग्यता बनाए रखते हैं तो। अगर वो अधर्म में जाएंगे तो वो लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो उनको बोलो विश्वास योग्यता में ही बने रहना। इसलिए आई वॉन्ट यू टू रीड रोमन्स 1:17 अगेन, रोमन्स 1:17, रोमियो 1:17, वो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। ओके, वहां पर जो है फ्रॉम फेथ टू फेथ, विश्वास से विश्वास तक। सब लोग बोलो विश्वास से विश्वास तक, विश्वास से विश्वास तक, विश्वास तक। हेलो, आप विश्वास में शुरू करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका टिकट कट गया और आप बस महफूज हो। आपको विश्वास में बना रहना है जब तक आपका विश्वास खत्म नहीं होता है। Therefore, he is the author and finisher of your faith. विश्वास को खत्म होना है, आपको विश्वास में बनाए रहना है। यू हैव टू गो ऑन बिलीविंग। समझ में आया? तो जो विश्वास में बने रहते हैं अंत तक, वो लोग बचेंगे। यीशु ने कहा ना, जो अंत तक बने रहते हैं वो लोग बचेंगे, उनका उद्धार होगा, उनका उद्धार होगा।
जॉन 3:16 कोई बता सकता है? जॉन 3:16 योहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि वो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो। जो कोई उस पर विश्वास करे, यूनानी भाषा में योहन्ना ने जो कोई उस पर विश्वास करे नहीं लिखा था। यूनानी भाषा में योहन्ना ने जो कोई उस पर विश्वास करता जाएगा उसका नाश नहीं।